रोजगार पर चुप है सरकार, कुछ नहीं है। 4.5 लाख युवाओं को नौकरी दी, किसने दी? योगी जी ने दी, योगी सरकार ने दी। आप बताइए 6-6 एक्सप्रेसवे बनवाने का किसने काम किया? भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के उसमें हुआ। कोरोना जो फेज आया है, कोई और पार्टी अगर इस प्रदेश में होती संभाल नहीं पाते वो लोग। जिस तरह से मैनेजमेंट हुआ है कोरोना का, महिलाओं के लिए कितने अच्छे काम हुए हैं, चाहे वो केंद्रीय हो, चाहे उत्तर प्रदेश की जितनी भी व्यवस्थाएं हुई हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना के तहत हो, चाहे वो आपको डबल राशन मिलने का काम हो। आप ये बताइए ना, प्रधानमंत्री जी तो बार बार इस बात को कह रहे थे कि कोई भी व्यक्ति हम पे टिप्पणी करके देखे और हमारे कामों की लिस्ट उठा करके देखे, अपने आप फर्क साफ हो जाएगा। एक विपक्ष का आरोप हमेशा रहता है बीजेपी पर, आपने बहुत बार सुना होगा, वो आरोप होता है कि बीजेपी ने इन 5 सालों में यूपी में कोई काम नहीं किया। लगता तो मोदी सरकार पर भी आरोप कि कुछ काम नहीं हुआ, सब प्राइवेटाइज कर दिया, मंदिर मस्जिद के ये मुद्दे रह गए हैं। तो उन लोगों को क्या जवाब देंगी? लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि पूछिएगा, ये सवाल बहुत सारे कमेंट सेक्शन में था कि रोजगार पर चुप है सरकार, कुछ नहीं है। 4.5 लाख युवाओं को नौकरी दी, किसने दी? योगी जी ने दी, योगी सरकार ने दी। आप बताइए 6-6 एक्सप्रेसवे बनवाने का किसने काम किया? भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के उसमें हुआ। 6-6 एक्सप्रेसवे, नमामि गंगे तव पाद पंकज, तब कस्बे खाते हैं गंगा की, नमामि गंगे जो हमारा प्लान है भारतीय जनता पार्टी का, चाहे वो रिवर क्लीनिंग पे हो, वो सारी चीज़ें हुई। और तीसरी बात, मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात कर रही हूँ, कोरोना जो फेज आया है, कोई और पार्टी अगर इस प्रदेश में होती संभाल नहीं पाते वो लोग। जिस तरह से मैनेजमेंट हुआ है कोरोना का, क्योंकि इट वॉज पूरे, मतलब एक तरह से आप देखिए, चाहे राशन बांटने का काम हो सरकार का, देखिए उसमें स्वयंसेवी भी बहुत सारे लोग लगे थे, पर राशन बांटने का काम हो, लोगों से यहाँ से वहाँ पहुँचाने का काम हो, एक स्ट्रिक्ट व्यवस्था रखने का काम हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, ये सारी चीज़ें जो है योगी जी की सरकार में हुआ है। महिलाओं के लिए कितने अच्छे काम हुए हैं, चाहे वो केंद्रीय हो, चाहे उत्तर प्रदेश की जितनी भी व्यवस्थाएं हुई हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना के तहत हो, चाहे वो आपको डबल राशन मिलने का काम हो, चाहे आपको जो है जो शेरनी दल बने हैं अभी। आप ये बताइए ना, प्रधानमंत्री जी तो बार बार इस बात को कह रहे थे कि कोई भी व्यक्ति हम पे टिप्पणी करके देखे और हमारे कामों की लिस्ट उठा करके देखे, अपने आप फर्क साफ हो जाएगा। और मैं बताती हूँ, ये विपक्ष का आरोप हमेशा लगता रहा, जो आप कह रहे हैं मस्जिद और मंदिर वाली बात, राम मंदिर का जो इशू था ये जब भी उठा तब सरकारें औरों की थी, मगर बनाया किसने और बना कौन रहा है? ये राम मंदिर इस सरकार में बन रहा है, भारतीय जनता पार्टी के उसमें उसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। ये एक बहुत ही गर्व और हर्ष का विषय है सारे ही राम भक्तों के लिए। और राम सिर्फ एक धर्म का नहीं है, राम एक आस्था का प्रतीक है। बहुत सारे जो है लोग हैं अन्य धर्मों के, वो जो है राम में बहुत आस्था रखते हैं, क्योंकि राम एक भारत का चरित्र है। ऐसा हर आदमी, हर बेटा जब पैदा होता है घर में तो कहते हैं राम जैसा बेटा पैदा हो, क्योंकि बेटे के रूप में आदमी चाहता है कि राम हो, पति चाहे ना चाहे, मगर बेटा हमेशा चाहता है कि राम जैसा हो। तो ये सारी बातें जो विपक्ष कह रहे हैं, वो क्योंकि खुद वो कहते हैं ना कि जो लोग अपना कुछ नहीं कर पाए वो दूसरों पे प्रत्यारोप करने में सबसे आगे होते हैं, यही बात विपक्ष पे लागू होती है जी। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी